तो हेलो फ्री फायर लवर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आ चुका हूँ एक और न्यूड के साथ। तो यार, काफी दिनों के बाद वॉइस ओवर ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए वॉइस ओवर ट्यूटोरियल नहीं बना पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। तो भाई, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं कुछ पानी के जो गड्ढे होते हैं उस टाइप का कुछ रिफ्लेक्शन बनाने वाले हैं ब्लेंडर में। तो यहाँ पर भाई मैंने एक ओपन कर लिया अपना क्लॉक टावर का 3D मॉडल। जो भी आपका 3D मॉडल है उस पर आप उसको ओपन कर लेना है, एंड देन आप आ जाना है शेडिंग टैब में। एंड यहाँ पर अभी एक सिंपल सा मेरे पास क्लॉक टावर है, इसमें भी कोई लाइट वगैरह ऐड भी नहीं है। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक सनलाइट ऐड कर लेता हूँ, या फिर पॉइंट लाइट ऐड कर लेते हैं एक दो। तो यहाँ पर भाई मैंने लाइट्स ऐड कर ली हैं, एंड अभी यहाँ पर भाई हम ऐड करते हैं रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका ग्राउंड है सिंपल उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर भाई मैंने क्लॉक टावर का जो ग्राउंड है सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे जो नोड्स हैं यहाँ पर आपको कुछ नोड ऐड करने हैं। तो आपको सबसे पहले जो रफनेस है इसको यहाँ पर 0 कर देना है, एंड देन आपको शिफ्ट ए प्रेस करना है। एंड यहाँ पर आपको ले लेना है एक कलर रैम्प, एंड यहाँ पर जो कलर रैम्प है इसको आपको कनेक्ट कर देना है रफनेस के साथ। एंड देन आप फिर से शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, एंड यहाँ पर आपको ले लेना है नॉइज टेक्सचर। एंड जो नॉइज टेक्सचर की कलर वाली सॉकेट है इसको आपको कनेक्ट कर देना है कलर रैम्प की जो फैक्टर वाली सॉकेट है उसके साथ। एंड देन यहाँ पर मैं आपको एक बार रिजल्ट दिखा देता हूँ रेंडर व्यू चेंज करके। यहाँ पर अभी ज्यादा कुछ गड्ढे आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो कलर रैम्प है इसकी जो ये ब्लैक वाला ये एरो इसको आपको पकड़ना है, एंड राइट साइड में आपको ड्रैग करना है। जो इसकी व्हाइट वाली ये एरो इसको आपको पकड़ के लेफ्ट साइड में ड्रैग करना है। तो आपको काफी अच्छा एक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर भाई गड्ढे आ रहे हैं लेकिन काफी बड़े हैं। तो आपको क्या करना है, जो ये नॉइस टेक्सचर है इसकी जो स्केल वैल्यू है इसको आपको इंक्रीज कर देना है। आई थिंक 10 सही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी के गड्ढे हैं ये काफी बड़े बड़े आ रहे हैं। इनको अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो जो स्केल वैल्यू है इसको आपको इंक्रीज कर देना है। आई थिंक 20 बेटर है। यहाँ पर आपको एक बार रेंडर व्यू भी चेंज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी के गड्ढे हैं ये आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सही से रिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है रेंडर प्रॉपर्टीज पर, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन का। इसको आपको सिंपल चेक कर देना है, एंड थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, हो सकता है आपका लैग हो जाए किसी। अगर वीडियो अच्छी लगी या चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर दिया अगर अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको मिलूंगा एक और न्यू वीडियो में। तो बाय फ्री फायर लवर।